माशाल्लाह। पर अबे मशरकैन हैं हम लोग, आशिकान हुसैन हैं हम लोग, फिल्मी हीरो से हमको क्या मतलब, नन्हे असगर के फैन हैं हम लोग, फिल्मी हीरो से हमको क्या मतलब। एक शायद हाथों को तुम उठाओ फरियाद के लिए, मौला जरूर आएंगे इमदाद के लिए। असगर ने मुस्कुरा के कहा सुन ले हुरमला, अब नस्ल तेरी तरसेगी औलाद के लिए। असगर ने मुस्कुरा के कहा सुन ले हुरमला, अब नस्ल तेरी तरसेगी औलाद के लिए। खतीब है ये सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ इकबाल झारखंड से। झारखंड पहले बिहार ही था, अब झारखंड से ये नेपाल खंड में आ गए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैदा बिहार में हुए, लेकिन इनका इंतकाल जब होगा तो वो सुबह अब झारखंड होगा। लेकिन हमारे मुल्क में ये अमानत के तौर पर आए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा इस्तकबाल कर दें कि खुद अल्लामा डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब इस मुल्क में रहने पर मजबूर हो जाए। कहिए ना सुभान अल्लाह, यहाँ आने के लिए हमेशा तैयार रहे। अल्लामा डॉक्टर आसिफ इकबाल झारखंड से तशरीफ लाए हैं। जैसे झारखंड का कोयला बहुत मशहूर है, वैसे ही झारखंड में हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ इकबाल साहिबला बहुत मशहूर है। कहिए सुभान अल्लाह, अगर ये झारखंड में उस वक्त मौजूद होते तो मेरा यकीन कहता है कि उस सुबह का नाम झारखंड नहीं होता बल्कि अल्लामा डॉक्टर आसिफ इकबाल नाम होता। लेकिन आप कहे नसीब वहाँ नहीं थे, यूपी में तालीम हासिल कर रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है। और जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा अल्लामा डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब तकरीर कर चुके हैं। ऐसा सहन है, ऐसी बात होती है जिनका दिल बिल्कुल पसमुर्दा हो चुका होता है, उनको भी इमाम हुसैन की बात को बता करके हंसने और मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। इस मुकर्रर का इंतजार आपको करना है। हर अच्छी चीज इंतजार के बाद अच्छी लगती है, बगैर इंतजार के कोई चीज अच्छी नहीं लगती। आप देखते हैं कि रमजान के महीने में अफ्तारी सामने होता है लेकिन खा नहीं सकते हैं, वक्त का इंतजार होता है। जैसे ही वक्त होता है खाने में मजा आ जाता है, ऐसे टूटते हैं कि जैसे कई महीने से भूखे थे। बिल्कुल ऐसे ही तकरीर आपको हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ इकबाल की सुननी है कि कई महीने के बाद आज अच्छी तकरीर सुनने को मौका मिला है। मैं उनसे कब एक बेहतरीन शायर, इसी दया के परवरदा शायर अदाए हुजूर सबुल्ला फाजिल हजरत सादात अंबर अशरफी साहब।